अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर चल रहा है, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, कितनी टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट की। तो सबसे पहले तो हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट को जो है तीन बेसिक उसकी टाइप्स हैं, तीन चीज़ों तीन हिस्सों में तोड़ा गया है। सबसे पहले अगर हम पहली टाइप का नाम लें, पहली क्लासिफिकेशन का नाम लें, तो वो है हमारे पास मोनोसैकेराइड। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले अगर हमारी जो पहली टाइप है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब हमारे पास सबसे पहले याद रखिएगा कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। मोनो मींस वन और सैकेराइड मींस शुगर या कोई भी स्वीट। ठीक है, मीठे को हम जो है ग्रीक वर्ड है और सैकेराइड मीठे को कहते हैं, मीठे वर्ड को कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोनोसैकेराइड के बारे में बात करें तो ये हमारे पास सिंपल शुगर होती है, सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके अंदर एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अगर हम अभी ओलिगोसैकेराइड की बात करेंगे, जैसे पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, लेकिन अगर हम मोनो की बात करें तो मोनो के पास बेचारे के पास एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको फर्दर जो है सिंपल क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास 6 कार्बन वाला ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज की हम बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 कार्बन वाले हमारे पास मोनोसैकेराइड्स मौजूद हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर जो है कार्बन की तादाद हमारे पास 3 से लेकर 10 तक जा सकती है, मतलब 3 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक हमारे पास इसकी तादाद जो है वो जा सकती है। कुछ बुक्स में जो है इसकी तादाद 3 से लेकर 6 तक है, लेकिन कुछ बुक में कहते हैं कि इसकी तादाद 3 से लेकर 10 तक है, तो हम दोनों को ठीक मान सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अगर हम देखें, अगर इनको सब डिवाइड किया गया है इनकी टाइप्स के ऊपर, सब डिवाइड किया गया है इसकी कार्बन की डिवीजन के ऊपर। अगर हमारे पास 3 कार्बन वाला कोई मोनोसैकेराइड है तो उसको ट्रायोस कहते हैं, 4 कार्बन वाला है तो टेट्रोस कहते हैं, 5 कार्बन वाला है तो पेंटोस और 6 कार्बन वाला है तो हेक्सोस कहते हैं, और इसी तरीके से हमारी सो ऑन साइकिल चलती जाती है जब तक 10 कार्बन की गणना हमारे पास पूरा नहीं हो जाता। अगर इसके बारे में बात करें कार्बन का जो शुगर जो मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे मौजूद होती है, अगर हम जितना भी नेचुरल जो खाना खाते हैं, डिलीशियस फूड जो मीठे खाने होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं ग्रेप्स के बारे में बात कर सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हनी वगैरह है, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो मोनोसैकेराइड है वो भारी मिकदार में पाया जाता है। और ये जो है हमारे पास सिंपल शुगर, अगर मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, कहाँ, शुगर केन्स के अंदर, गन्ने के अंदर, सेलुलोज और जो है स्टार्च की फॉर्म में भी पाया जाता है। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, बनता है प्लांट्स के अंदर, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज किया जाता है, वाटर यूज किया जाता है और साथ में सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का हमारा नाम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट्स आर यूज ग्लूकोज टू मेक स्टार्च एंड सेलुलोज, प्लांट्स जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, स्टार्च एंड सेलुलोज बनाने के लिए। अब स्टार्च और सेलुलोज क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स की बॉडी के अंदर हम देखेंगे जब कार्बोहाइड्रेट की तादाद ज्यादा हो जाती है, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, तो वो उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज, तो बाद में जब उसको नीड पड़ती है प्लांट को तो वो उसको तोड़ तोड़ के अपनी एनर्जी को हासिल करता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्या, मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब मींस वन कहलाता है, मतलब कि जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बन, इसके अंदर सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा और कार्बन की तादाद उसमें 3 से लेकर 10 तक भी जा सकती है और 6 तक भी जा सकती है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, अगर 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 4 कार्बन है टेट्रोस, 5 है पेंटोस, 6 है हेक्सोस और इस तरीके से सो ऑन जाती जाएगी। दूसरी जो हमारी टाइप है वो कहलाती है हमारी ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगो का मतलब हमारे पास होता है फ्यू। अब ओलिगो में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोनोसैकेराइड होते हैं, एक जो सिंगल यूनिट होता है उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। ओलिगो में एक से ज्यादा जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो तादाद होती है वो हमारे पास
दो से लेकर दस तक हो सकती है। दो से लेकर एक से ज्यादा जब मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे, दस तक अगर जाएंगे तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और ओलिगो का मतलब हमारे पास क्या होता है, फ्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसमें जो छोटे छोटे मोनोमर्स यानी मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आपस में जो जुड़े हुए होते हैं, जिस लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड, जैसे कि हमारे पास मोनोसैकेराइड, एक बार आपको बताना भूल गया था कि मोनोसैकेराइड हमारे पास ज्यादातर क्या होते हैं, स्वीट इन नेचर होते हैं। जैसे कि मोनोसैकेराइड हमारे पास स्वीट इन नेचर होते हैं, उसी तरीके से जो ओलिगोसैकेराइड है वो भी हमारे पास क्या होते हैं, स्वीट इन नेचर होते हैं। और आपस में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। और आप वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि मोनोसैकेराइड हमारे पास वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड भी क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं और आपस में खास किस्म के बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। लास्ट टाइप है हमारी पॉलीसैकेराइड। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था पॉली का मतलब होता है एक बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉली मीन्स के जिसमें हमारे पास बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इससे पहले भी अगर आपको एग्जांपल देके बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दीवार है, तो दीवार किससे मिलकर बनी हुई होती है, ब्लॉक से मिलकर बनी हुई होती है। तो ब्लॉक्स हमारे पास क्या होते हैं, मोनोमर्स कहलाते हैं, छोटा स्ट्रक्चर है मोनोसैकेराइड, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। और पूरी की पूरी दीवार क्या कहलाएगी हमारे पास, पॉलीसैकेराइड कहलाएगी, बड़ा स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारे पास, एक मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो पॉली का मतलब हमारे पास सिंपली क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स हमारे पास आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, मोर देन 10 होना लाजमी है। यहाँ पे क्या है कि तादाद यहाँ पे 10 से मोर देन 10 होनी चाहिए। पॉलीसैकेराइड के अंदर जो मोनोसैकेराइड की तादाद है तो मोर देन 10 होनी चाहिए। अगर वो अगर वो 10 होगी या 10 से कम होगी तो वो ओलिगोसैकेराइड में आएगा। 10 से ज्यादा है तभी हमारे पास वो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा, ये बात आप माइंड में रखिएगा। जिस तरीके से ओलिगोसैकेराइड के अंदर तमाम के जितने भी मोनोसैकेराइड है वो आपस में खास किस्म के बॉन्ड के अंदर जुड़े हुए होते हैं, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड के अंदर भी जो है जितने भी मोनोसैकेराइड है वो आपस में जुड़े हुए होंगे एक खास बॉन्ड के थ्रू, जिसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए जो है ये स्टोरिंग के लिए काम आते हैं, स्टोरेज के लिए काम आते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड स्टार्च जो है जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको अपने बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, और जब एनर्जी की नीड पड़ती है तो फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स के अंदर हम देखें तो सेलुलोज और स्टार्च की फॉर्म में जो है ये कार्बोहाइड्रेट जमा होते हैं, स्टोर होते हैं। और अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो ग्लाइकोजन और अमाइलेज या अमाइलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पॉलीसैकेराइड को अपने अंदर जज्ब करता है और उसको जो है एनर्जी स्टोरिंग का काम करता है। जब हमें एनर्जी की नीड पड़ती है तो एनर्जी वो हमें देता है। अगर हम बात करें बहुत सारे सेलुलोज फाउंड इन सेल वॉल, सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। सेल वॉल का पूरा बनाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास सेलुलोज होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है इसके अलावा हमारे पास पेपर बनाने में भी जो है सेल वॉल की बड़ी इन्वॉल्वमेंट काम आती है। कॉटन की अगर हम बात करें तो 95% उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। स्टार्च अकर्स इन सीरियल, स्टार्च कहाँ पाया जाता है, जितने भी सीरियल्स वगैरह हैं हमारे पास, बीट है, राइस है, चावल वगैरह है, बार्ले, जो वगैरह है, इन तमाम चीजों के अंदर हमारे पास स्टार्च पाया जाता है। एंड रूट्स ऑफ पोटैटोस की रूट्स के अंदर भी। अच्छा, इसके अंदर भी तो मैंने बोला ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। जैसे कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च और सेलुलोज दो बड़े कंपाउंड्स हैं जिसमें बहुत सारे जो है ना मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो स्टोरिंग का काम करते हैं एनर्जी का। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है और बाद में उस एनर्जी को हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो है उसको यूज करते हैं, ठीक है। फाउंड इन मसल एंड लिवर ऑफ एनिमल, ठीक है। अनलाइक मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आर सॉलिड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो खास तौर पे क्या होते हैं, अमार्फस सॉलिड होते हैं और टेस्ट लेस होते हैं। जैसे कि हमने ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात की, मोनोसैकेराइड के बारे में बात की कि ये दोनों जो है स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। पॉलीसैकेराइड स्वीट एंड टेस्ट नहीं होता, इनका कोई टेस्ट नहीं होता और ये वाटर में भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में हल नहीं हो सकते, इसलिए इनको बड़े मॉलिक्यूल्स कहा जाता है।
तो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी इशू है तो आप लाजमी हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।